तो क्या हालचाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के बारे में, जहां पे हम बात करेंगे 10वीं कक्षा के रिजल्ट के बारे में और 12वीं कक्षा के रिजल्ट के बारे में। राजस्थान बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित की गई थी। राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएँ जो मार्च और अप्रैल के अंदर समाप्त हो चुकी हैं। करीब 11 लाख से 12 लाख विद्यार्थी 10वीं क्लास की परीक्षा दी है और साथ के साथ में अगर मैं बात करूं 13 लाख से 14 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 12वीं क्लास की परीक्षा दी है। दोस्तों, अगर पिछले वर्ष की अगर बात करी जाए तो ये आंकड़ा थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ नज़र आता है। पिछली बार 10वीं क्लास के अंदर 82.89% विद्यार्थी पास हुए थे। वहीं अगर लड़कियों की अगर बात करी जाए तो 84% लड़कियाँ यहाँ पर पास हुई थी। नागौर जिले में जहाँ पे सर्वाधिक स्टूडेंट पास हुए थे, जबकि 91.44% बच्चे यहाँ पे पास हुए थे। प्रतापगढ़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ 69% बच्चे पास हुए थे। दोस्तों, अगर बात करें राजस्थान बोर्ड के मैट्रिक लिस्ट जारी नहीं करता, और दोस्तों यहाँ पे 6 महीने पहले राजस्थान बोर्ड ने ये अनाउंस कर दिया था कि अब राजस्थान के अंदर किसी भी टॉपर का नाम अनाउंस नहीं किया जाएगा। हाँ, ये ज़रूर बताया जाएगा कि टॉपर किस राज्य से है, यानी राज्य का नाम ज़रूर से बताया जाएगा। अब दोस्तों, अगर बात करें कि 10वीं क्लास का रिजल्ट और 12वीं क्लास का रिजल्ट अभी तक कब तक आने वाला है, क्योंकि देखिए अभी तक यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन हमें नज़र नहीं आ रही है कि 10वीं क्लास का रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा और 12वीं क्लास का रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता सकता हूँ कि 10वीं क्लास का रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा। पहले 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा, उसके बाद में 10वीं क्लास का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। दोस्तों, अटकलें तो ये भी लगाई जा रही हैं कि आपको अप्रैल के एंड में ये रिजल्ट 12वीं क्लास का मिल जाएगा और मई के शुरुआती हफ्ते में 10वीं क्लास का रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अभी तक भी कोई भी अपडेट ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको जस्ट वेट एंड वॉच करना, और रिजल्ट देखने के लिए आपको राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, राजस्थान बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर जा करके आप इस अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इवन आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका जब कभी भी रिजल्ट घोषित हो जाएगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए अपडेट यह है कि हो सकता है कि रिजल्ट आपका 12वीं क्लास का आखिरी सप्ताह में अप्रैल के और मई के शुरुआती सप्ताह में, यानी कि पहले हफ्ता में आपको मिल सकता है 10वीं क्लास का रिजल्ट। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।